बिहार में लोक आस्था का पर्व छठ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल छठ मनाया जाता है, इस बार भी लोग छठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन परेशानी इस बात की है कि जिस स्थान पर हम मौजूद हैं ये श्यामपुर का खनुआ है। ये खनुआ घाट कहलाता है जो श्यामपुर गांव में है। यहाँ के लोग परेशान हैं कि इस बार छठ कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि जगह जगह नदी में मिट्टी कटा हुआ है। लोगों की मांग है कि अस्थाई नहीं तो अस्थाई छठ घाट का निर्माण हो। अब प्रशासन छठ घाट को लेकर के क्या तैयारी कर रही है? वैसे तो फिलहाल अब तक अलीनगर में प्रशासन के द्वारा छठ घाटों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। वैसे खनुआ के लोगों का, यहाँ श्यामपुर के लोगों का इस छठ घाट पर इस बार छठ पूजा मनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन प्रशासन अगर चाह ले और अस्थाई छठ घाट का निर्माण यहाँ करा दिया जाए, बैरिकेडिंग की व्यवस्था करा दी जाए, तो यहाँ के लोग भी खुशी खुशी छठ पूजा को मना सकेंगे। एते कलश कहै छी की कहै छै घाट बनबै लए कहबै और की कहबै, राम दाय देव प्रणाम दथिन अथी दथिन तो केना छठ करबै। थाल पानि छै गिर जाइ छियै, पानी छै नदी मे एतेक गिर जाइ छथिन, प्लस्तर नहि छथिन, लसैक जाइ छथिन। देखा जाए यहाँ पर बहुत दिक्कत है, नहीं बनेगा तो यहाँ तो आदमी मरेगा, नहीं नाव है नहीं कुछ है। छठ बिहार का महापर्व है, यहाँ पर बहुत सा पानी भी है, यहाँ पर घाट बनाने के लिए मिट्टी भी नहीं, बहुत मिट्टी भस भी गया है, रोड भी टूटा हुआ है। यहाँ पर हम लोग कैसे इस बार छठ मनाएंगे? इस बार तो हर साल तो अच्छा भी था, लेकिन इस बार उस तरह नहीं है जैसा होना चाहिए था, इसलिए सरकार से ये निवेदन है।